हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। देवभूमि उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थानों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत का यह पहाड़ी राज्य शुरू से ही आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कुछ ऐसे पौराणिक स्थल हैं जो राज्य को देवीय रूप प्रदान करते हैं। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, केदारनाथ के अलावा भी चार और केदार उत्तराखंड में स्थित हैं जिनका अपना अलग ही धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं इन पंच केदार के बारे में। उत्तराखंड में पंच केदार भगवान शिव के पवित्र स्थान हैं। यहाँ भगवान शंकर के विभिन्न विग्रहों की पूजा होती है। पंच केदार का वर्णन स्कंद पुराण के केदारखंड में स्पष्ट रूप से किया गया है। पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ, द्वितीय केदार मद्महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर हैं। शिवपुराण के अनुसार महाभारत युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका उपाय जानने के लिए वे श्री कृष्ण जी के पास गए। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें वेदव्यास जी के पास भेजा। वेदव्यास जी ने इस पाप के प्रायश्चित करने के लिए उन्हें भगवान शंकर की उपासना करने के लिए कहा। तब पांडव भगवान शिव जी को खोजते हुए हिमालय पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। भीम ने दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बैल पर झपटे तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देके पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ जी में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। आइए जानते हैं इन पंच केदार को विस्तार से। पहला केदार भगवान केदारनाथ जी हैं। यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3583 मीटर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। यहाँ भगवान शिव जी के त्रिकोणात्मक स्वरूप जी का विग्रह है। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मानता है कि इसका निर्माण पांडवों ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य जी ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आदि शंकराचार्य जी के समय से ही यहाँ दक्षिण भारत के जंगम समुदाय के पुजारी मंदिर में पूजा करते हैं, जबकि बाकी सभी तीर्थयात्रियों की पूजा तीर्थ पुरोहितों द्वारा की जाती है। गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक का पैदल मार्ग 15 से 16 किलोमीटर है और केदारनाथ जी के कपाट अप्रैल से नवंबर माह तक खुले रहते हैं। आइए जानते हैं दूसरे केदार के बारे में। दूसरा केदार मद्महेश्वर है। यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है। मद्महेश्वर मंदिर चौखंबा शिखर के तलहटी में स्थित है।
यहाँ भगवान शंकर के मध्य भाग के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के शैव पुजारी केदारनाथ की तरह यहाँ भी पूजे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ की सुंदरता के कारण ही शिव पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहीं बिताई थी। मान्यता है कि यहाँ का जल बहुत पवित्र है, इसकी कुछ बूंदों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शीतकाल में यहाँ पर कपाट बंद रहते हैं। मई से अक्टूबर तक यहाँ के कपाट खुले रहते हैं। आइए जानते हैं तृतीय केदार के बारे में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ है और यह तृतीय केदार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3,680 मीटर है और यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। यहाँ भगवान शिव की भुजा के रूप में आराधना की जाती है। चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत रमणीय स्थल पर निर्मित है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। इसके पास ही चौपता नामक रमणीय घास का मैदान है, जिसे स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। यहीं से होकर तुंगनाथ जी के लिए यात्रा की जाती है। शीतकाल के दौरान यहाँ कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आइए जानते हैं अगले केदार के बारे में। चतुर्थ केदार के रूप में भगवान रुद्रनाथ विख्यात हैं। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। बुग्यालों के बीच गुफा में भगवान शिव के मुखरविद अर्थात चेहरे के दर्शन होते हैं। यह समुद्र तल से 3,490 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह भारत का अकेला ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा होती है। एकानन के रूप में रुद्रनाथ, चतुरानन के रूप में पशुपति नेपाल में और पंचानन विग्रह के रूप में इंडोनेशिया में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसका पैदल मार्ग लगभग 17 किलोमीटर है और मई से अक्टूबर माह तक इसके कपाट खुले रहते हैं। आइए जानते हैं अगले केदार के बारे में। पंचम केदार के रूप में भगवान कल्पेश्वर विख्यात हैं। इसे कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान की जटा के दर्शन होते हैं। यहाँ 12 महीने भगवान शिव के दर्शन किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इस स्थल पर दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे घोर तपस्या की थी, तभी से यह स्थान कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2200 मीटर है। अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर कल्प स्थल में नारायण स्तुति की और भगवान शिव के दर्शन कर अभय का वरदान प्राप्त किया। तो ये थे उत्तराखंड के पंच केदार। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।